आज संस्कृत वर्ग षष्ठ को संस्कृत के 12वें अध्याय को पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें है संस्कृत में पर्यायवाची शब्द। तो जैसे किसी शब्द का अनेकों नाम हुआ, किसी चीज का अनेकों नाम हुआ, वही है। पहला है गणेश। गणेश का पर्याय लंबोदर, गजानन, विनायक होता है। गंगा, गंगा का संस्कृत में पर्यायवाची भागीरथी, मंदाकिनी, जाह्नवी होता है। जलम, जलम का नीरम, तोयम, अंबो, वारी। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची अनल, पावक, हुतासन। आकाश, आकाश का पर्यायवाची गगनम, नभ, अंबर, अनंत होता है। हवा, हवा का संस्कृत में पर्यायवाची वायु, अनिल, समीर। पृथ्वी, पृथ्वी जिसका संस्कृत में पर्यायवाची आवनी, धारणी, भू, वसुंधरा, वसुधा, मही, ये सब पर्यायवाची सब पृथ्वी के हुए। कमल, इसको कमलम कहते हैं संस्कृत में, उसका पर्यायवाची सब पंकजम, उत्पलम, सरसिजम। पुष्पम का हिंदी अनुवाद फूल होता है, उसका विलोम पर्यायवाची शब्द प्रसूनम, सुमनम। आम्रम, आम्रम का अर्थ आम होता है, इसका संस्कृत में पर्यायवाची शब्द रसालम, सहकार, च्युत। आ जाइए दानव का हिंदी अनुवाद राक्षस होता है, इसका संस्कृत में पर्यायवाची शब्द असुर, निशाचर, दैत्य। समुद्र, समुद्र का देखिए संस्कृत में पर्यायवाची जलधि, सागर, वारिधि। सूर्य, सूर्य का संस्कृत में पर्यायवाची तिनकर, रवि, भानु, प्रभाकर, भास्कर। ये सब सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्वत, जिसका हिंदी अनुवाद पहाड़ होता है, इसको संस्कृत में पर्यायवाची शब्द शैल, भूधर, गिरे, अचल होता है। अगला है पत्नी। पत्नी का पर्यायवाची भार्या, कलत्रम, दारा और स्त्री होता है। उसी प्रकार शिव, शिव का त्रिनेत्र, शूलपाणि, चंद्रशेखर, शंकर। ये सब संस्कृत में शिव के पर्यायवाची शब्द हुए। और देखिए जिस प्रकार सरस्वती को होता है, तो बिना पाणि, पुस्तक धारणी, हंसवाणी, ये सब सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, इसमें शारदा भी। तो आप लोग जितने भी प्राय शब्द हैं, वस्तु हैं, नाम हैं, सबका संस्कृत में पर्यायवाची शब्द स्मरण कर लें, जिससे आपको संस्कृत अनुवाद करने में, संस्कृत को पढ़ने में, संस्कृत को लिखने में, उसका अर्थ जानने में बहुत आसान होगा। इसलिए आप लोग को होमवर्क में भी यह दे रहा हूं,
पर्यायवाची शब्द को जो है पढ़ाया है, इसे आप लोग स्मरण कर लें और इसे लिखें।